हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन प्रॉक्सी बुक। प्यारे बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर हूँ और साइंस में जो फिजिक्स पोर्शन है उसके साथ मैं डील करूंगी। उससे पहले आपको साइंस के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ये साइंस वर्ड आया कहाँ से, इसका मतलब क्या है। प्यारे बच्चों, ये जो साइंस वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड साइंसिया से निकल कर आया है जिसका मतलब है टू नो, कुछ जानना। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ साइंस, तो एरिस्टोटल जो अरस्तु हैं वो फादर ऑफ साइंस हैं। और ये जो साइंस है ये तीन भागों में बटा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स जो वर्ड है ये निकल कर आया है एक वर्ड फ्यूजिस से जिसका मतलब है नेचर, प्रकृति, जिसमें हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, नेचर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री, जो कीमिया वर्ड से निकल कर आया है ब्लैक मैटर, जिसमें हम पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजी, जो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है लिविंग और लोगोस का मतलब है स्टडी, जिसमें हम स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो फिजिक्स है ये दो भागों में बटी है, एंशियंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्वेश्चन आ सकता है हु इज द फादर ऑफ एंशियंट फिजिक्स, तो सर आइजैक न्यूटन एंशियंट फिजिक्स के फादर हैं और मॉडर्न फिजिक्स के फादर हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। जो आपका फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। हम इसमें मोशन और रेस्ट के बारे में जानेंगे। मोशन क्या होता है? A body is in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as reference. कहता है जब भी एक बॉडी अपनी पोजिशन बदलती है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरी पोजिशन ए है, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ से चलकर यहाँ आती हूँ, मेरी पोजिशन बी हो गई। जब मेरी पोजिशन में चेंज आ रहा है उसको मोशन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ये यहाँ पर ट्री है और एक कार है। यहाँ पर जो ट्री है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी वो चीज होती है जो अपनी जगह से हिल लेना। क्या पेड़ अपनी जगह से हिल सकता है? तो यहाँ पर जो ट्री है वो स्टेशनरी है। इस रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट है ट्री, इसके रेफरेंस में ये जो कार है ये भी रेस्ट है एक पॉइंट पे। जब ये कार अपनी इस पोजिशन से इस पोजिशन पे कुछ टाइम बाद आ जाएगी तो ये कार क्या है? मोशन में है। किसके रेफरेंस में? इस ट्री के रेफरेंस में। नेक्स्ट इज रेस्ट, जिसको स्टेशनरी भी कहते हैं। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब बॉडी अपनी पोजीशन नहीं बदलती है रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। मैं यहाँ खड़ी हूँ और कुछ समय के लिए मैं यही खड़ी हूँ, दैट मीन्स मैं रेस्ट में हूँ, मेरी पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आया। फिजिक्स पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड। वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि मास, एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। ये मैंने अपने हाथ पे डस्टर रखा, अगर मैंने डस्टर को इस पोजिशन पे रखा तो इसका मास सेम है, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी तो मास सेम है, इसको मैं किसी भी डायरेक्शन में ले जाऊंगी मास सेम रहेगा, डायरेक्शन का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, जब डायरेक्शन का उस चीज पे कोई भी इफेक्ट ना हो तो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वॉल्यूम के एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं अपने हाथ में कोई वाटर बॉटल ले लूं, उस बॉटल को मैं यहां पकड़ूं, यहां पकड़ूं, यहां पकड़ूं, क्या उसकी वॉल्यूम बदलेगी? नहीं, उसकी वॉल्यूम सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे नहीं, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स बोथ ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वो फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि फोर्स, लेट अस सपोज आपके पास एक डोर है और डोर पे लिखा है पुल या पुश। अगर मुझे डोर को पुश करके ओपन करना है तो मैं तब फोर्स लगा रही हूँ, डिपेंड करेगा वो पुश करने से डोर खुल जाएगा, और अगर मैं उसको पुल कर रही हूँ तो फोर्स से वो डोर बंद ही रहेगा, वो डोर ओपन नहीं होगा। मतलब मेरी डायरेक्शन से फोर्स पे असर पड़ रहा है, वो तो या तो क्लोज होगा या तो ओपन होगा। इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। सेम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, ये टर्म्स जो मास, डिस्टेंस, वॉल्यूम है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज SI यूनिट्स, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन SI यूनिट से पूछा जाता है, जैसे कि SI यूनिट लेंथ की बताइए, मास की, टाइम की बताइए।
पहली SI यूनिट लेंथ की। अब लेंथ है हमारे पास, कोई रॉड है, कोई कपड़ा है या कुछ भी है, उसकी हमें लेंथ मेयर करनी है। हमारे पास कोई यूनिट होनी चाहिए तो हम उसको मेयर करेंगे। अगर हम मार्केट में कोई कपड़ा लेने चले जाएं और हम दुकानदार को बोले हमें 20 दो, तो उसको क्या पता चलेगा क्या 20 दो? जब तक हम उसके साथ उसकी यूनिट नहीं लगाएंगे, उस मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। अगर हम किसी वेजिटेबल शॉप पे जाएंगे, वहां हम बोलेंगे कि हमें 1 दे दो, तो उनको क्या पता 1 क्या देना है। जब हमें वेजिटेबल परचेज करनी है तो हम वहां बोलेंगे 1 kg, 2 kg, तभी तो उनको पता चलेगा हमें क्या परचेज करना है। इसलिए फिजिक्स में यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि लेंथ की SI यूनिट है मीटर, जिसको शॉर्ट में स्मॉल m लिखते हैं। मास को किलोग्राम में करते हैं kg। टाइम का सेकेंड है, करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 by 1 चैप्टर वाइज हर एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे। होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।